हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रही है बेसिकली यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कौन कौन सी पोस्ट रहेगी उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर का पोजिशन देखने को मिलेगा जिसके अंदर डिप्लोमा और बीबीटेक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पोजिशन भी देखने को मिलेगा जिसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। यहां पे किसी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा। लेवल 6 का सैलरी आपको देखने को मिलेगा, 48,000 पर मंथ सैलरी यहां पे आपका रहने वाला है। तो तगड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अपने को अप्लाई करना है, सारे प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा बिना स्किप किए। यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूं मेरे भाई इसी बात पे, यार वीडियो को लाइक कर देना। जो आपका लाइक का टारगेट रहेगा 500 प्लस आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पोजीशन कौन कौन सा देखने को मिलेगा। जूनियर इंजीनियर का पोजीशन रहेगा और आपके लिए यहां पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिल जाएगा। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जब का अप्रॉक्स सैलरी बैठेगा वो 48,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी यहाँ पे आपका बैठने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे वो डिप्लोमा एलिजिबल है। अगर आपने डिप्लोमा किया है आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पे बीबीटेक किया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इवन अगर आपने यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है लाइक बीए बीकॉम बीएससी कर रखा है, या फिर अगर आपने यहाँ पे एमबीए भी कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ऑल ब्रांच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, सीबीटी एग्जाम होगा, उसी के बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए हैं, लाइक टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, जल्दी से जाके इनको ज्वाइन कर लेना। इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपको उन जॉब्स का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाता, और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो और आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है या कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे मैंने डायरेक्टली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है तो आप वहां पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली अप्लाई लिंक तक पहुंच जाएंगे। अप्लाई करने से पहले वीडियो को ध्यान पूर्वक अच्छे से देख लेना क्योंकि यहां पे मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा रखा है कि आपको एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करना है। तो यहां पे मैं उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और मैंने जहां पे हाईलाइटेड कर रखा है उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी निकाली गई वो निकाली गई सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर ये आता है। पोजीशन जो आपको देखने को मिलेगी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का, साथ ही साथ आपको यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिल जाएगा। ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है तो आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है वो यहाँ पे 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि आज की डेट में ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो लास्ट डेट देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 20 दिसंबर इसका लास्ट डेट रहेगा, उससे पहले पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पोजीशन के बारे में, पूरा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, लाइक यहाँ पे इन्होंने सीरियल नंबर दे रखा है, पोस्ट दे रखी है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एज लिमिट क्या रहेगा उसके बारे में बताया गया है, स्केल पे क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी देखने को मिलेगा, जूनियर इंजीनियर सिविल का वैकेंसी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे नॉन टेक्निकल की भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का वैकेंसी देखने को मिलेगा जिसके अंदर डिप्लोमा एलिजिबल है, ऑल ब्रांचेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट रहेगी 22 साल से लेकर 28 साल तक के बच्चे यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पे 5 साल का एससी एसटी कैटेगरी को
तीन साल का ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जो आपका बेसिक पे रहेगा 48,852 रुपए आपके यहाँ पे इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट मेंशन कर रखा है कि जो आपका एज लिमिट काउंट होगा 31 दिसंबर 2022 तक आपका एज लिमिट यहाँ पे काउंट होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, एसएसटी कैंडिडेट को 5 साल का देखने को मिलेगा, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है जनरल के अंदर आते हैं तो 10 साल का देखने को मिल जाएगा, ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 13 साल का देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे एससीएसटी कैंडिडेट है तो 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, लाइक यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा है, क्या यहाँ पे एग्जाम होगा और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। पूरा चार्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहली जो पोजीशन देखने को मिलेगी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। अगर आपके पास डिप्लोमा है आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने डिग्री कर रखा है इलेक्ट्रिकल से तो आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया है कि 60% आपके यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री के अंदर होने चाहिए, अगर आपने डिप्लोमा किया या फिर अगर आपने डिग्री की है आपके 60% होने चाहिए, अगर आप यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 60% यहाँ पे मांगे हैं, अगर आप यहाँ पे एसएसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 55% है तो भी आपका चलेगा। अब बात करते हैं यार मेरे भाई, यहाँ पे जो आपका एग्जाम पैटर्न मेंशन किया गया है उसके अंदर बताया गया कि आपका जो एग्जाम रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, सेंटर पे आपको जाना है, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, जिसके अंदर पार्ट ए के अंदर आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 24 क्वेश्चन यहां पे रहेंगे, जिसके अंदर आपका जनरल नॉलेज देखने को मिल जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ यहां पे आपको रीजनिंग देखने को मिल जाएगा। पार्ट जो आपका सेकंड रहेगा उसके अंदर जो एसएससी जेई का पैटर्न है वही पैटर्न यहां पे बताया गया इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, एसएससी जेई का सेम सिलेबस यहां पे दिया गया है। अब बात करते हैं मेरे भाई जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी के बारे में, तो अगर आपने यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल से आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने यहाँ पे बीबीटेक किया है सिविल से तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, डिग्री यहाँ पे मेंशन की गई है एंड आपके पास 60% होने चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, साथ ही साथ अगर आप एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके 55% है तो भी आपके चलेगा। एग्जाम पैटर्न वही रहेगा, 24 क्वेश्चन आएंगे आपके नॉन टेक्निकल के, 96 क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पे टेक्निकल के, ओवरऑल यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया, एसएससी जेई का सेम सिलेबस यहाँ पे दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉन टेक्निकल की पोजीशन के बारे में, उसको आप अच्छे से देख लेना, अगर आपका कोई भाई बहन जिन्होंने एमबीए कर रखा है या फिर जिन्होंने बीए बीकॉम कर रखा है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे मेंशन किया गया। यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का पोजीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है किसी भी ब्रांच में, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या कोई भी डिसिप्लिन हो, यहाँ पे देख पा रहे हैं एनी इंजीनियरिंग ब्रांच आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपने एमबीए किया और में लिखा है, अगर आपने एमबीए किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे जरूर होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो। यहाँ पे जो आपके पैटर्न रहेंगे एग्जाम पैटर्न यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो मेरे भाई बहन 2023 में पास आउट होने वाले हैं या फिर जिनका रिजल्ट अवेटिंग के अंदर अभी रिजल्ट नहीं आया है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया है आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, मतलब सीधी सी बात है 2023 में पास आउट होने वाले हैं आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे जो आपका एग्जाम रहेगा उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 120 मिनट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, और एग्जाम का जो लैंग्वेज रहेगा वो बायलैंग्वेज देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस ज़्यादा रखा गया है, अगर आप यहाँ पे जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फीस लगेगा वो 1200 रुपये आपको देखने को मिलेगा, वहीं अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या फिर अगर आप एसएसटी कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए यहाँ पे जो आपका फीस रहेगा वो आपका 600 रुपये आपको देखने को मिलेगा, इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना है, डायरेक्टली मैंने अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप एक बार फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो वापस आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा फीस यहाँ पे ज़्यादा है तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप उसको एडिट नहीं कर सकते तो ध्यानपूर्वक आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझा रखा है कि आपको एग्जैक्टली अप्लाई
कैसे करना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है या कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। इन सारों के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।